इत पिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपनु सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरिषदम सारति सत्था देव मनुष्यानां बुद्धो भगवात। इस पावन बुद्ध वंदना के साथ आप सभी प्रबुद्ध अन्वेषक शिक्षकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज की हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो तारीख लगी उसकी विजय के लिए, उसकी जीत के लिए हम तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपका नियमितीकरण अवश्य और जल्द मिले, यही सरकार से हमारी अपील है। और प्रार्थना करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध सद्बुद्धि दें। आज की बड़ी खबर आप सभी का जय मंगल हो। बड़ी खबर जय मंगल हो के साथ शुरू करते हैं आज का पूरा समाचार। आप सभी को प्रणाम, जोहार। आज कैबिनेट की बैठक में 34 बिंदु थे और अहम निर्णय कई हुए। उनमें एक निर्णय जो मुझे जिससे बहुत संतोष मिला वो शिक्षा कर्मियों के सम्मेलन के संदर्भ में। अभी तक शिक्षा कर्मी के रूप में आप या तो पंचायत विभाग में या नगरीय प्रशासन में जुड़े हुए थे, अब आप शिक्षक हो जाएंगे, शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक हो जाएंगे और सभी बेटियों को, सभी बेटों को जो शिक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहे थे और मन जिनका बहुत छोटा था, सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं किया। घोषणा पत्र में आपकी बात को हम लोगों ने रखा था और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को, जिसको राहुल जी ने अनुमोदित किया एक रूप से अध्यक्ष के रूप में, उसका एक ये अहम मुद्दा था। आप लोगों को उम्मीदें थी, आप लोगों के मन में था कि हमारा होगा और राहुल जी की वो बात घोषणा पत्र के माध्यम से जो कांग्रेस ने आपके समक्ष चुनाव के समय रखी थी, आज कांग्रेस की सरकार ने उसे पूरा किया। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, अच्छी सेवाएं दीजिएगा, अगली पीढ़ी को तैयार करिएगा। मुझे बहुत संतोष है कि आप लोगों के लिए पहल करने का मुझे मौका मिला, आप लोगों ने मौका दिया और आज ये आपकी मांग जायज मांग। साथियों, आज की ये दूसरी बड़ी खबर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये खबर आज लगभग एक साल पुरानी होने जा रही है लेकिन इस खबर में दम है। लेटर में लिखा है, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक मंत्री जी द्वारा निवेदन किया गया, अनुरोध किया गया है माननीय वेशक शिक्षा मंत्री जी के लिए 25/6/2021 को, यानी कि लगभग एक वर्ष पूरा होने के लिए है। लिखा है, कृपया श्री शशांक मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जी हाँ साथियों, शशांक मिश्रा जी ने प्रार्थना पत्र दिया था माननीय मंत्री जी के लिए, जिसमें प्रार्थी ने जूनियर विद्यालयों में कार्यरत अनुदेश शिक्षकों को नियमित किए जाने एवं प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने का अनुरोध किया है। अतः श्री शशांक मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए उनके अनुरोधानुसार जूनियर विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों को नियमित करने एवं प्रशिक्षित वेतनमान दिलाए जाने का कष्ट करे। यहाँ पर मंत्री जी ने अपने सिग्नेचर के साथ सील मोहर किया है और ये खबर आज एक वर्ष होने जा रहा है लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी की बात को उन्हीं की सरकार ने नहीं माना। कैसे ये लोग हैं जो अपने ही लोगों की बात नहीं मानते। शोषित अनुदेशकों की आवाज़ उठाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात उठाई और उम्मीद करते हैं इसी तरह वो अनुदेशकों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक अनुदेशकों का हक सम्मान वापस नहीं मिल जाता है। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से अन्य राज्यों में शिक्षक कर्मियों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया गया है, उन्हें नियमित किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, उनकी सरकार के लिए, और यही उम्मीद मैं यूपी सरकार से भी करता हूँ, निवेदन के साथ कि आप भी हम शिक्षक कर्मियों को, हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों को हमारे पद पर नियमित करें और हमें हमारा संवैधानिक हक दें, जिसके लिए आपका हम सदा आभारी रहेंगे। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।